Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. So happy छोटी दिवाली. और आज हम लोग रेडी हो रहे हैं. हम लोग जा रहे हैं सगन के फंक्शन के लिए, लड़के वालों के वहाँ. और सब लोग रेडी हो रहे हैं तो मैं भी फटाफट से रेडी हो रही हूँ. तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ और उसके बाद फटाफट से रेडी होती हूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मैं ये वाला सूट पहन रही हूँ. तो ये बॉटल ग्रीन कलर का सूट है. यहाँ पे ये पूरा पाइपिंग का काम है, जहाँ पे फ्लावर के बीच में थ्रेड वर्क भी हो रखा है. और बहुत ही सुंदर सा सूट है. इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है. दुपट्टा जो है वो है पूरा बनारसी पैटर्न में. बहुत ही सुंदर दुपट्टा है इसका. इसके साथ के इयररिंग्स वो ये हैं. ये मेरी एक साड़ी के साथ के हैं, तो ये इसमें भी चल जाएंगे. बहुत ही प्यारे इयररिंग्स हैं. इसकी जो पैंट है वो भी इसी कलर की है, सेम. और मेरे पास ना मैचिंग चूड़ियाँ भी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ. तो ये इसकी चूड़ियाँ हैं, पूरी जो है वेलवेट वाली चूड़ी है, बहुत सुंदर सी. तो चलिए आप जल्दी से रेडी हो जाते हैं. तो मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है और देन मैं यूज़ कर रही हूँ कामा एर्मदा का रोज वाटर. ये बहुत ही अच्छा टोनर की तरह काम करता है. देन मैं यूज़ कर रही हूँ इंटरजू का रोज गोल्ड ऑयल. है मेरी ड्राई स्किन के लिए. और फेस ऑयल वगैरह बिफोर फाउंडेशन आप लगाते हो तो ये काफ़ी ग्लो लुक देते हैं. और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लोरियल का सनस्क्रीन. काफ़ी अच्छा सनस्क्रीन है, मैं इसको पिछले 4 साल से यूज़ कर रही हूँ. बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है. देन मैं यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट का पूरा प्रोफेशनल प्राइमर. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन, और ये है मेबलिन फिट मी फाउंडेशन. और मेरा जो शेड है वो है 238. और यहाँ पे मैं ब्रश यूज़ नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ. तो मैं अपने फिंगर से ही इसको अच्छे से स्प्रेड करूँगी पूरी स्किन में. और ये काफ़ी अच्छा काम करता है. फिंगर से आप करते हो तो आपकी मतलब मुझे लगता है फाउंडेशन काफ़ी अच्छे से लगता है अगर आप फिंगर यूज़ करके फाउंडेशन को लगाते हो. उसके बाद मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. ये है एले गर्ल का कंसीलर और मेरा जो शेड है वो है प्योर पीच. मैं अच्छे से अपनी आईलिड वगैरह पे सब जगह पे लगाऊंगी. तो बेस मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. अब मैं इस पूरे क्रीम प्रोडक्ट को सेट करूंगी लोरियल मैट मैजिक कॉम्पैक्ट से. वो अच्छे से सेट कर लेना है. और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल. ये नाइका का आईब्रो पेंसिल है. फिर मैं यहाँ पे बिंदी लगा के देख रही थी तो मुझे ये काफ़ी बड़ी लग रही थी. उसके बाद मैंने जो छोटी वाली बिंदी है मेरे पास एक और रेड कलर की, मैंने वो लगा के देखी. बट ये मुझे थोड़ा सा ऑड लग रही थी तो मैंने सोचा कि मैं नग वाली ही लगाती हूँ, बट छोटी वाली लगाती हूँ. तो ये मुझे काफ़ी पसंद आई तो मैंने ये ही लास्ट में इसमें फाइनल किया. तो अभी मैं लगा रही हूँ सिंदूर जो जरूरी है. आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का आई शेडो पैलेट. इसमें 6 शेड्स हैं तो मैं इसका ब्राउन शेड लेके पहले अपने पूरे आउटर एरिया में लगाऊंगी इसको, और इसको अच्छे से ब्लेंड करना है. उसके बाद मैं ये पिंक कलर जो है इसको लगाऊंगी, और इसको भी आपको दोनों कलर्स को अच्छे से ब्लेंड करना है बिकॉज ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज काफ़ी हार्श लाइन लगती है. और मैं एक्सेस प्रोडक्ट को वाइप की हेल्प से रिमूव कर रही हूँ. एंड देन मैं अपनी लोअर लैश लाइन में ब्राउन कलर को यूज़ कर रही हूँ. उसके बाद मैं पैक का काजल यूज़ करूँगी फॉर काजल एंड आईलाइनर. मैं यूज़ कर रही हूँ कॉन्टोरिंग के लिए लूला का ब्रॉन्जर. काफ़ी अच्छा ब्रॉन्जर है ये. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का ब्लश, मॉव कलर है इसका. हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ करूँगी मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर. एंड देन मैं इस पूरे मेकअप को सेट करूँगी मैक प्रेप एंड प्राइम से.
बाद मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ शुगर स्पंज वी नॉट लिक्विड का लिपस्टिक और शेड है 41। मैं अपनी लैशेज के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का मस्कारा और यस आई एम रेडी। ओके गाइस, सो मैं हो चुकी हूँ रेडी। सूट काफ़ी सुंदर है, ये कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा है। इसको आई थिंक मुझे टाई अप करना पड़ेगा क्योंकि ये बार बार नीचे गिरती है। और बस निकलने वाले हैं और आप इस ब्लॉग को देखते रहिए, अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके गाइस, सो हम लोग निकलने वाले हैं और गाड़ी में बैठते ही मुझे याद आया कि मैंने नेल पॉलिश तो लगाई नहीं, सारा मेकअप कर लिया बट नेल पॉलिश नहीं लगाई। ऐसा आप लोगों के साथ भी कई बार हुआ होगा, तो मैंने मम्मी को बोला कि नेल पॉलिश लेके आना और वो ये वाली नेल पॉलिश लेके आई है, पिंक कलर की, नायका की है ये, शेड मुझे इसका पता नहीं। बाल मेरे ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं तो मैं अब दोबारा से गाड़ी में ठीक करूँगी और हम लोग वहाँ निकलते हैं और आपको मिलती हूँ मैं वहाँ पहुँच के। बाय। No, no, the goop.